मेरे प्यारे दोस्तों, कल 20 सितंबर के दिन महेश भट्ट का जन्मदिन था और दादा जान 73 साल के हो गए। 73 साल के हो तो गए, लेकिन इनका दिल आज भी एक 24 साल के नौजवान का ही है। इनके अंदर का टेस्टोस्टेरोन आज भी वैसे का वैसा ही उबाल खा रहा है। अब महेश भट्ट कहे तो सही नहीं ना होगा, इनको इनके असली नाम से ही बुलाया जाए, जो कि है अशरफ भट्ट। अब जनाब के किस्से ही ऐसे ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपके हमारे जैसा कोई भी सीधा साधा शख्स अपना सर पीटने लग जाएगा, क्योंकि इनके अंदर की जो खुजली है ना, ये आज की नहीं है, ये खुजली बेहद पुरानी है। अशरफ भट्ट जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो एक अनाथालय में रहने वाली लॉरियन नामक लड़की को डोरे डाला करते थे, और लॉरियन से मिलने के लिए अशरफ भट्ट अनाथालय की दीवार कूदकर अंदर जाया भी करते थे। और जब इसके बारे में अनाथालय के लोगों को पता चला तो उन्होंने लॉरियन, जो कि कैथोलिक लड़की थी, उसे अनाथालय से बाहर निकाल दिया। अब ऐसे में अशरफ भट्ट ने 20 साल की लॉरियन से शादी कर उसे हिंदू नाम किरण भट्ट दे दिया, और देखा जाए तो ये उनका पहला प्यार था, जो कि शादी के महज 16 साल तक ही टिका। और जब किरण भट्ट, बोले तो लॉरियन, 36 की हुई, जिनसे महेश भट्ट को दो बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने किरण भट्ट को तलाक दे दिया। क्यों तलाक दे दिया? तो जी, महेश भट्ट को दोबारा दूसरा प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? तो जी, सोनी राजदान से, जो कि मुस्लिम थी। और जब सोनी राजदान के घर वाले नहीं माने तो महेश बाबू हिंदू से मुस्लिम हो गए, यानी कि महेश से अशरफ भट्ट हो गए। और सोनी राजदान से शादी कर उन्हें आलिया भट्ट प्राप्त हो गई। अब ये खबर भी उस वक्त बहुत चर्चित हुई थी कि शादीशुदा अशरफ भट्ट का चक्कर प्रवीण बाबी के साथ चल रहा था। अब प्रवीण बाबी के साथ क्या हुआ, ये तो आप सबको याद ही होगा, सुसाइड। फिर महेश भट्ट को देखा जाने लगा जिया खान के साथ, उनके साथ क्या हुआ ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, कथित तौर पर सुसाइड। फिर महेश भट्ट को देखा जाने लगा रिया चक्रवर्ती के साथ, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, तो जी, कथित तौर पर सुसाइड। अब खुद की बेटी पूजा भट्ट से शादी की बात हो या फिर कुछ और हो, और 73 साल के अशरफ भट्ट ने देखा जाए तो उन्होंने अपने जिंदगी के बड़े मजे लिए हैं, अपनी जिंदगी फुल ऑन जी है। अब ऐसे में कल के दिन दादा जान का जन्मदिन था, जो कि हम सब विश करना भूल गए, तो जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू दादा जान। अब बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे ही तो बोला जाता है ना। खैर, आप भी अपने कुछ शुभ विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।